मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की रचना ना आज से करीब 8 साल पहले हुंडई क्रेटा ने रची थी और तब से लेकर के आज तक उसी सेगमेंट पे राज कर रही है। किसी को अपने से एक उंगली आगे जाने नहीं दिया इसने। उसके बाद इसका दूसरा संस्करण भी लॉन्च किया गया जिसकी प्रतिक्रिया भी कस्टमर की तरफ से धमाकेदार रही और फिर से यह एसयूवी नंबर वन रही। और अब इस गाड़ी का तीसरा संस्करण आने वाला है। एक्चुअली में ये तीसरा संस्करण नहीं बोलेंगे, यानी कि थर्ड जनरेशन नहीं बोलेंगे, दिस इज एक्चुअली अ सेकंड जनरेशन और ये इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट वर्जन है। लेकिन कंपनी ने जितने बदलाव इस गाड़ी में किए हैं ना, आप देखकर कहोगे कि दिस इज द थर्ड जनरेशन हुंडई क्रेटा। एक्सटीरियर का फ्रंट का डिजाइन ही पूरा चेंज कर दिया, रियर का ऑलमोस्ट पूरा डिजाइन चेंज कर दिया, इंटीरियर का पूरा डैशबोर्ड अपडेट कर दिया है, फीचर्स में एडास लेवल डाल दी भाई, 360 कैमरा डाल दिया, यहाँ तक इंजन भी अब टर्बो वाला वापस से कंटिन्यू कर दिया। इसमें पैनारोमिक सनरूफ पहले से ही था, ऊपर से शाहरुख खान हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर, अब दीपिका मैडम आ गई है हुंडई क्रेटा की ब्रांड एम्बेसडर बनकर। भाई नई क्रेटा छोड़ दो, पुरानी क्रेटा अगर लेने जाओ ना तो उस पे 6 महीने की वेटिंग है, यानी कि सेल में ये गाड़ी पहले से ही नंबर वन है। फ्रंट के मेजर चेंजेस की अगर बात करें तो वो इसकी एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट में, ये जो लाइट दी हुई है ना तो इसकी लाइन जो है ना ज्यादा मोटी है और ना ही ज्यादा पतली, जितनी होनी चाहिए उतनी ही हुंडई ने एकदम परफेक्ट रखी है। नाइट टाइम में काफी ज्यादा बढ़िया और गाड़ी को आपकी अट्रैक्टिव बनाएगी। आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ में व्हाइट कलर की एलईडी हेडलाइट्स, साटन फिनिश का सेंटर में आपको हुंडई की लोगो देखने मिल जाएगी। और इस एलईडी डीआरएल से ना एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये वाली ग्रिल देने के बाद ना अब हुंडई क्रेटा ना पहले के मुकाबले इसका जो फ्रंट का ग्रिल है ये काफी ज्यादा बोल्ड और एग्रेसिव लुक दे रही है इसको। इसके अलावा नीचे में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिल्वर कलर के स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी। ये कलर का थीम ऐसा है जिसके कारण से ये सिल्वर लग नहीं रही है देखने में। और ये डीआरएल्स देख रहे हैं, ये डीआरएल्स नॉर्मल डीआरएल्स नहीं है, ये सिक्वेंशियल डीआरएल्स हैं जो कि इससे पहले आपने टाटा नेक्सॉन में भी देखी होगी। और जैसे ही दीपिका को क्रेटा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया तब से क्रेटा का रियर प्रोफाइल ना भाई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके साथ ही टॉप टू बॉटम फीचर्स देख ले तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे रियर स्पॉयलर, उसमें आपको इनबिल्ट हाई स्टॉप माउंट लैंप आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको रियर वाइपर वॉशर भी देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पर रियर डिफॉगर भी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसएक्स की बैचिंग भी देखने को मिल जाएगी। और उसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर रियर में आपको बोल्ड और एग्रेसिव लुक बनाने के लिए रियर में आपको स्किड प्लेट मिलेगा। वहीं इसके इंटीरियर को हुंडई इंडिया ने एकदम फुर्सत में लेकर के बनाया है। जिस प्रकार फ्रंट का डिजाइन एकदम अलग, रियर का डिजाइन एकदम अलग, उसी प्रकार इंटीरियर भी एकदम अलग। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम और क्लस्टर मीटर दोनों एकदम ग्लॉसी फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी देखने को मिल रहा है और ये कॉम्बिनेशन का पैकेज ना लिटरली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसी कंट्रोल के पैनल्स के बटन्स आपको जलते हुए दिखाई देंगे, ये भी ना गाड़ी को एक अलग ही लुक दे रहे हैं भाई। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिख रहा है। बाकी इसके अलावा व्हाइटिश का इंटीरियर ना काफी बेहतरीन लग रहा है, चाहे ये म्यूजिक सिस्टम के बगल में देख लो या फिर ड्राइवर के डोर्स में देख लो। और यहाँ पे सेंटर कंसोल में ना स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है और ये गियर नोब वही पुराना वाला जैसे पहले पुरानी आती थी। आपको पता है पहले इंडिया में ये वाली क्रेटा लॉन्च होने वाली थी जो कि इंडोनेशिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और वहां पे ये वाली क्रेटा ना चल भी रही है। उसके बाद फिर पता नहीं भाई हुंडई इंडिया को कौन सा कीड़ा काटा और उसने भाई ये वाली डिजाइन डाली, यानी कि फ्रंट डिजाइन, रियर डिजाइन और इंटीरियर सब कुछ ना एकदम अलग बना डाला। और अगर आप फीचर्स की बात करें तो भाई पैनारोमिक सनरूफ आपको पहले से ही मिल रहा था, वेंटिलेटेड सीट्स आपको पहले से ही मिल रहे थे, अब आपको इसमें एडास लेवल 2 की सेफ्टी देखने को मिल जाएगी और साथ में 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेगा। कंपनी ने ना भाई इस गाड़ी में ढेर सारे चारों तरफ में सेंसर्स लगा दिए हैं, कैमरास लगा दिए हैं। इसके अलावा आपको पहले ही बोस प्रीमियम स्पीकर्स
मिल ही रहे थे, साथ में 64 कलर एम्बियंट लाइट्स भी पहले से ही थे इसमें। हेडसअप डिस्प्ले एक ऐसा फीचर है जो कि आज के डेट में बेकार हो गया है, तो इसे यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर भी आपको मिलने ही जा रहा है और साथ में एयर प्यूरीफायर भी आपको मिलने ही वाली है। आइए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात किया जाए तो पहले इसमें आपको दो इंजन मिलता था, एक तो पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का MPI जो कि 114 PS का पावर जनरेट करता था 6300 RPM पे और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता था 4500 RPM पे। साथ ही इसका डीजल इंजन 1.5 लीटर का CRDI वाला जो कि 116 PS का पावर जनरेट करता था 4000 RPM पे और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता था 2700 RPM पे। इसके साथ ही अब 1.5 लीटर का टर्बो GDI वाला इंजन जो पहले बंद हो गया था, अभी इसे वापस से कंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि 217 PS का पावर जनरेट करेगी और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। इसके साथ ही अगर इसके ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 6 स्पीड इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगी। इसके साथ ही ये गाड़ी ना 6 से 7 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वेरिएंट में अवेलेबल होगी, पे आप सारे मॉडल्स के साथ साथ आप सारे कलर्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल होंगी। इसके साथ ही इसके प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी जो है 10 लाख से 20 लाख के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे 16 जनवरी को ना ये गाड़ी ना फुल फेज में एकदम इंडिया में लॉन्च होने वाली है और उसी दिन इस गाड़ी से रिलेटेड प्राइस, फीचर, एवरीथिंग आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, इतना बोलता हूँ लेकिन कोई तो वीडियो को लाइक करता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए, मिलते हैं अनदर वीडियो में। धन्यवाद।